अन्नपुरा क्षेत्र में मंगलमूर्ति अपार्टमेंट के सोने फ्लैट से दिन दहाड़े 1.25 किलो सोना चुराकर भागे चोरों का सामना मंगलवार सुबह पुलिस से हो गया। चोरों ने पहले पुलिस वाहन पर कार चढ़ाने का प्रयास किया, फिर गोली चलाई और भागने की कोशिश की। एसआई ने जवाबी फायरिंग की और एक गोली एक चोर के सीने से आर पार निकल गई। आरोपित धुलिया के शातिर चोर हैं, उनके साथ दो साथियों की तलाश की जा रही है। एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र के मुताबिक घटना सुबह 6:30 बजे की है। मोबाइल लोकेशन से पता चला था कि कुख्यात चोर कैलाश पिता चिंतामण मोरे निवासी सोनगिरी धुलिया और अजय पिता प्रताप कटवाल निवासी नगांव पारी धुलिया की कार MH02BT0582 इंदौर के आसपास ही है। इसके आधार पर अन्नपूर्णा थाने के जवान उनके पीछे लग गए। पीथमपुर के आगे मानपुर के करीब पुलिस ने उन्हें रोक लिया और जैसे ही पुलिस की जीप देखी कैलाश ने उस पर कार चढ़ाने की कोशिश की। वो टक्कर मार कर भागा और पीछा करने पर गोली चला दी। ऐसे ही अंकित शर्मा ने जवाबी फायर किया तो गोली कैलाश के सीने में लगी और आर पार निकल गई। गोली लगने के बाद भी कैलाश और अजय ने भागने की कोशिश की। ऐसे ही अंकित शर्मा तौसिफ अली व सिपाहियों ने मशक्कत के बाद दोनों को पकड़ लिया। चोरों ने पूछताछ में बताया कि चोरी में शरद पिता राव साहेब नामदेव मोरे और जयप्रकाश पिता राजाराम यादव शामिल थे। पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है। एसएसपी के मुताबिक कैलाश गिरोह ने 27 नवंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र स्थित सरस्वती नगर में मंगलमूर्ति अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर रहने वाले आईटी कंपनी के संचालक दिलीप गुप्ता और पीथमपुर की एक कंपनी के मैनेजर योगेश क्षीरसागर के फ्लैट में धावा बोला था। घटना के वक्त क्षीरसागर की पत्नी स्मिता कुछ देर के लिए काम से गई थी। चोरों ने आधे घंटे के भीतर दोनों फ्लैट से सोने का कमरबंद, चूड़ियां, ब्रेसलेट, रानीहार, टॉप्स, मंगलसूत्र, अंगूठी, टीका, सिक्के, FD, नगद सहित करीब 1.25 किलो वजनी सोने के जेवर चुरा लिए थे। जब बदमाश सामान लेकर भाग रहे थे तो स्मिता ने उन्हें जाते देख लिया था। फ्लैट पर पहुंचने पर पता चला कि चोर उनके घर से ही निकले हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।